जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अमेरिकन M777 अल्ट्रा लाइट होविजर गन के लंबी दूरी के इनडायरेक्ट फायरिंग का ट्रायल शुरू हो गया है। इसकी रेंज 30 से 40 किलोमीटर तक बताई गई है। लंबी दूरी की शुरुआत के दौरान गन ने अचूक निशानी साधकर पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज को धमाकों से गूंजा दिया। तोपों के गोलों की गूंज सीमा पार तक पहुंच रही थी। इससे पहले अमेरिकन गन की 3 से 4 किलोमीटर तक की छोटी दूरी के डायरेक्ट ट्रायल चल रहे थे। ये ट्रायल सितंबर तक जारी रहेंगे। 45 से 47 डिग्री तापमान में चल रहे परीक्षणों के दौरान बाकायदा आधुनिक ढंग से रडार, जीपीएस, हवा का डायरेक्शन मापने के लिए कई प्रकार के गुब्बारों को मौसम जांचने के उपखंड लगाकर आकाश में छोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय सेना की मारक क्षमता को मजबूत करने और आधुनिकीकरण की कड़ी में हाल ही में अमेरिका के साथ M777 अल्ट्रा लाइट होविचर गन खरीदने का करार हुआ था। इसमें पहले दो अमेरिकन गन भारत में 18 मई को लाई गई थी। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक इस गन से एक मिनट में 4 गोली फायर किए जा सकते हैं। ये इतनी हल्की होती है कि 4.4 टन की इस गन को 3 मिनट में एक्शन में लाया जा सकता है और 2 मिनट में बैकअप किया जा सकता है। इसे हेलीकॉप्टर के जरिए पहाड़ी इलाकों सहित कहीं भी किसी भी इलाके में ले जाया जा सकता है। वहीं इसमें 155 mm का करीब 45 से 48 किलो तक का कोई भी एम्यूनिशन फायर किया जा सकता है। वर्तमान में इसमें गन टेबल का निर्माण किया जा रहा है जिसमें टारगेट का पूरा डेटा फीड किया जा रहा है। टीम इंडिलिंग।